नमस्कार महप्रिया, आज है 24 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल या बिहार से जुड़ी कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार पर जाकर ज्ञान बिहार के सेगमेंट को देख सकते हैं, जहां पर आपको बिहार से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार के स्कूलों में इस बार समय से पहले होगी गर्मी की छुट्टी। बिहार में हेडमास्टर की बहाली के लिए आवेदन भरने का है आखिरी मौका। बोचहा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन। प्रगति के आधार पर धान खरीद का लक्ष्य घटाने बढ़ाने पर सरकार करेगी विचार। बिहार में शुरू होगी पैरा सेलिंग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस बार समय से पहले होगी गर्मी की छुट्टी। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र गर्मी के मौसम के आने के साथ ही गर्मी की छुट्टियों के इंतजार में मई महीने तक का इंतजार करते ही हैं, क्योंकि आमतौर पर इसी महीने के आसपास बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार बच्चों को छुट्टी पहले ही दे दी जाएगी। कारण है बिहार में बेतहाशा बढ़ रही गर्मी। मौसम की तलखी को देखते हुए ही बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जिसके तहत ही स्कूलों को सुबह की पाली में चलाने और गर्मी की छुट्टी समय से पहले करने की अपील की गई है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए ORS की व्यवस्था हमेशा स्कूलों में करने को कहा गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका हिंदी की कवित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उनका जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अनामिका आधुनिक समय में हिंदी भाषा के प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार है। समकालीन हिंदी कविता के चंद सर्वाधिक चर्चित में से वो शामिल है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन। बीते दिन बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत ही अब बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव 2-4 अप्रैल को होने हैं। लेकिन बिहार में चुनाव को लेकर तैयारियां भी से ही तेज है, जिसके तहत बिहार चुनाव आयोग ने बीते दिन चुनाव को बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने का फैसला लिया है। यानी कि चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह नहीं देगा। एक अधिकारी ने बताया है कि मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम, उनकी तस्वीर, उनके बाद पार्टी का नाम और एक खाली बॉक्स होता है, जहां मतदाता विशेष उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डालते हैं। के साथ ही ECB ने उम्मीदवारों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली भी पेश की है। बिहार में विरासत भवनों से छेड़छाड़ पर सरकार हुई सख्त। बिहार के कई विरासत भवन की स्थिति आज बदहाल हो गई है, जिसको लेकर अब बिहार सरकार खुद भी सख्त हो गई है, जिसके तहत ही सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के विरासत भवनों और प्रक्षेत्रों की प्रकृति में किसी भी तरह का बदलाव अब राज्य स्तर पर गठित विरासत संरक्षण समिति की अनुशंसा के बगैर नहीं होगा। यानी कि अब नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली इस समिति की अनुशंसा पर ही नगर निकाय बदलाव की अनुमति दे सकेंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने संशोधित बिल्डिंग बॉयलॉज 2022 में विशेष प्रावधान किया है। इसके लिए सूचीबद्ध विरासत को महत्व के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM हरियाणा ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने मध्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता सह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कुल मिलाकर 787 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BAMS में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nrhmharyana.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में हेडमास्टर की बहाली के लिए आवेदन भरने का है आखिरी मौका। बिहार में 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद हेडमास्टर की नियुक्ति के दरवाजे खुल गए, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने वाली है। इसके तहत ही बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत ही BPSC ने हेडमास्टर के 6421 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 28 मार्च 2022 है। यानी कि आखिरी तारीख समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। इन पदों के लिए केवल bpsc.bih.nic.in पर ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सिकंदराबाद में 11 बिहारी मजदूरों की गई जान। बीते दिन बिहार के लिए बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई।
जिसके तहत ही सिकंदराबाद में 11 बिहारी मजदूरों की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना के सिकंदराबाद के भोई गोदा में कबाड़ के गोदाम में लपटे उठ गयी, जिसके बाद ही 11 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। इस दुर्घटना के बाद सीएम नीतीश ने अपनी शोक संवेदना तो व्यक्त की ही है और इसे दुखद बताया ही, साथ ही जान गंवाने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की बात कही है। बिहार के लाल ने किया कमाल, नासा ने बुलाया अपने पास। बिहार में प्रतिभाओं का डंका देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब है। इसी बीच बिहार के एक और प्रतिभा ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार से निकले छात्र हर्ष राजपूत जल्द ही अपनी सेवा नासा में देने वाले हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाकर नासा को भेजा था। उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद नासा ने टेस्ट लिया और उस टेस्ट में ये पास कर गए, जिसके बाद ही अब नासा ने उन्हें अपने पास बुलाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर्ष राजपूत पटना स्थित किलकारी स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। हालांकि कोरोना के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि मई में लॉन्च होने वाले सैटेलाइट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस लॉन्चिंग का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार में AES प्रभावित जिलों में डॉक्टरों की उपस्थिति की होगी निगरानी। बिहार के कई जिले गर्मी के मौसम के आने के साथ ही AES यानी कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का प्रकोप बढ़ने लगता है। यही कारण भी है कि बिहार के जिलों में इसका असर बढ़े और इससे पहले ही बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में काम कर रहा है, जिसके तहत ही प्रभावित होने वाले जिलों में डॉक्टरों की अस्पतालों में उपस्थिति की निगरानी की जाएगी। AES में तीव्र बुखार और मानसिक भ्रम, भटकाव, प्रलाप या कोमा की स्थिति बनती है। इससे बचाव के लिए डॉक्टरों की अस्पतालों में हमेशा तैनाती जरूरी है। AES प्रभावित जिलों के सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक डॉक्टरों की उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। डॉक्टरों को ड्यूटी पर तैनात होने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, यानी कि अब सभी डॉक्टरों को 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से रहना ही होगा। जहरीली शराब से जान गंवाने वालों के परिजनों को नहीं मिलेगा मुआवजा। बिहार में कहने को शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जहरीली शराब पीने के कारण अब तक कई लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है कि जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे की राशि दी जाए, जिस पर अब सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने सफाई दी है और विपक्ष के द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि इस संदर्भ में विभागीय सचिव के द्वारा पहले ही सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। विपक्ष अपने तरीके से काम करता है। साथ ही मंत्री सुनील सिंह ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रगति के आधार पर धान खरीद का लक्ष्य घटाने बढ़ाने पर करेगी विचार। राज्य में इस बार धान की सरकारी खरीद ने नया कीर्तिमान बनाया है। इस साल का लक्ष्य 45 लाख टन धान खरीदने का था और 44.90 लाख टन की खरीद हो गई, जिसकी जानकारी खुद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि खरीद में तेजी लाने के लिए प्रगति के आधार पर लक्ष्य घटाया बढ़ाया जाता है। विधान परिषद में प्रेमचंद्र मिश्रा के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले उत्पादन के आधार पर जिलों में खरीद का लक्ष्य तय होता था, लेकिन बाद में खरीद में जो जिले पिछड़ने लगते हैं उनके टारगेट को उन जिलों में दे दिया जाता है जहां के किसान ज्यादा उत्सुकता से धान बेचना चाहते हैं। जिन जिलों का लक्ष्य कम किया गया है उनकी प्रगति काफी कम थी। बिहार में शुरू होगी पैरासेलिंग। गोवा के तर्ज पर ही अब बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में अम्बा वन में भी अब वाटर एडवेंचरस स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। यहां पर आने वाले समय में राइड, जेट स्की, जॉर्बिंग, रोलर, क्नू, ट्री हाउस, फ्लोटिंग प्रोमिनेट आदि की सुविधा मिलेगी। साथ ही पर्यटकों के लिए यहां कैंटीन, शुद्ध पेयजल, मॉड्यूलर शौचालय, प्रीफैब, चेंजिंग रूम, पार्किंग, टिकट काउंटर, हाउसकीपिंग आदि की समुचित व्यवस्था होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा है कि अम्बामन अब शीघ्र ही पर्यटन स्थल एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाएगा। अम्बामन टूरिस्ट स्पॉट आगंतुकों को वेस्ट चंपारण जिला में स्वागत करेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी अम्बामन में मोटर बोट, क्यासक, सोफा राइड आदि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ट्रायल के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई बातें भी कही। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान ये भी साफ किया है कि अब बिहार में पैरासेलिंग की शुरुआत भी होने वाली है। वैशाली के आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय और वैशाली में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये संग्रहालय 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें खुदाई के दौरान पाई जाने वाली पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कई शानदार मुकुट,
हार, गहने आदि को प्रदर्शित भी किया गया है। यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सिर की प्रतिमा लगाई हुई है। इन सामानों के अलावा इस संग्रहालय में गांव के लोगों के द्वारा आजादी के पूर्व का दिया सामान भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, उमाशंकर की मूर्ति आदि को भी रखा गया है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान भी रखा हुआ है। संग्रहालय में 2000 पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ गुप्तकाल, मयूरकाल और कुहुंस काल के दौरान का भी काफी सामान है। टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। बीते दिन राजधानी पटना में उर्दू टीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले 8 वर्षों से वो सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, जिसके तहत ही अपने आक्रोश मार्च के दौरान अभ्यर्थी कारगिल चौक पर पहुंचे और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते देखे गए। पुलिस के समझाने पर जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। ज्ञात हो प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले 8 वर्षों से वो सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। लोकसभा में गूंजा मधुबनी पेंटिंग की गूंज। बिहार की जब भी बात होती है तो मधुबनी पेंटिंग का जिक्र होना लाजमी है। वहीं बिहार की बात जब लोकसभा में उठे तो मधुबनी पेंटिंग का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बीते दिन भी लोकसभा में यही देखने को मिला, जहां फिल्म अभिनेत्री और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी भी बिहार की इस कला की तारीफ करती नजर आई, जिसके तहत ही बीते दिन हेमा मालिनी ने लोकसभा कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए मधुबनी पेंटिंग का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न चित्रकारी कलाओं का कपड़ों पर उकेरने और इससे उसकी बढ़ती लोकप्रियता की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए वो देखी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के मधुबनी चित्रकार सहित पूरे देश के चित्रकारी कलाकारों को कपड़ा उत्पादों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। पिता की खराब तबीयत पर तेज प्रताप ने रिहाई की उठाई मांग। लालू प्रसाद यादव की तबीयत इन दिनों काफी ज्यादा खराब है, जिसके तहत ही बीते दिन उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भी शिफ्ट किया गया। इस बीच उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पिता की सेहत और उम्र का हवाला देकर उन्हें रिहा करने की केंद्र सरकार से मांग की है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि इस उम्र में अब हमारे पिता को रिहा कर देना चाहिए, उनका स्वास्थ्य हर दिन गिर रहा है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने घोटाले का यह काम किया है वो खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे पिता ने तो चारा घोटाला उजागर किया था, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बिहार के स्वास्थ्य संस्थानों के भवन पर लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मशीन। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत प्रदेश के सभी स्वास्थ्य भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मशीन लगाने की योजना मंजूर की। इसको लेकर फिलहाल 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस योजना के तहत स्वास्थ्य भवन में वर्षा जल संचय की व्यवस्था के लिए जिलों को आवंटन भी दे दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिन अस्पतालों में वर्षा जल संचय की व्यवस्था की जानी है उनमें पहले चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पतालों में ये व्यवस्था होगी। बोचहा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बिहार में जल्द ही बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बीते दिन सभी दलों के प्रत्याशियों ने इस सीट के लिए अपना नामांकन भी भर दिया। हालांकि इस सीट का मुकाबला इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जिसके तहत यहां पर सीधी लड़ाई भाजपा, वीआईपी और राजद के बीच में है, क्योंकि एनडीए की तरफ से इस सीट के लिए जहां भाजपा और वीआईपी दोनों ने ही नामांकन भरा है, वहीं राजद ने भी इस बार बाजी मारते हुए दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को इस सीट से उतार रही है। वहीं वीआईपी ने इस सीट से पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता देवी को उम्मीदवार बनाया है। मालूम हो कि वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के ही निधन से बोचहा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे राजद विधायक, सीएम नीतीश के इस्तीफे की उठी मांग। होली के बाद बीते दिन से शुरू हुए विधानसभा सत्र में विपक्ष सुबह से ही हमलावर दिखे। होली के मौके पर अज्ञात कारणों से लगभग 40 लोगों की जान जाने के मुद्दे को विपक्ष जहरीली शराब पीने का एंगल दे रही है। हालांकि बिहार पुलिस इससे इनकार कर चुकी है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि बीते दिन विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी शराब का मुद्दा छाया रहा। होली पर जहरीली शराब से लोगों की मौत को लेकर विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद विधायक मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। इसके साथ ही नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारों के बीच सदन की कार्यवाही काफी देर तक बाधित भी रही थी।
चारा घोटाला केस में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आर के राणा का निधन। चारा घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद आर के राणा ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। याद हो, राणा डोरंडा ट्रेजरी से गबन मामले में रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे थे। हाल ही में तबियत खराब होने की वजह से उन्हें 16 मार्च को रिम्स रांची में भर्ती कराया गया था, लेकिन राणा की तबियत लगातार खराब होती जा रही थी। डॉक्टर के मुताबिक आर के राणा मल्टी ऑर्गेन फेल्योर से जूझ रहे हैं। उनके कई अंग एक साथ खराब हो गए हैं, इस वजह से ही उन्हें रिम्स रांची के दिल्ली रेफर कर दिया गया था। कल मंगलवार को जेल की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें एम्स लाया गया। दिल्ली में ही राणा ने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने नाश्ते पर बिहार और झारखंड के सांसदों से की मुलाकात। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और झारखंड के भाजपा सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से उनके अनुभव पूछे। इस दौरान ही बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आरके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, निशिकांत दुबे समेत 24 से अधिक सांसद मौजूद रहे। इस दौरान ही पीएम मोदी ने चार राज्यों में पार्टी की हालिया जीत के प्रभाव के बारे में बात की। वहीं बैठक में शामिल सांसदों ने बताया कि प्रधानमंत्री हमसे एक परिवार के अभिभावक की तरह मिलते हैं। वो पहले प्रधानमंत्री है जो अपने सांसदों से अक्सर मिलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए नहीं जोड़े जाएंगे 12वीं के अंक। अगर आप भी अपने बच्चों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है, क्योंकि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जरूरी जानकारी जारी कर दी है, जिसके तहत ही यूजीसी ने परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर यूजीसी ने घोषणा करते हुए बताया है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक वर्ष यानी कि साल 2022-23 से सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन लेने की तैयारी हो रही है। साथ ही इस साल किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया होगी। आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा को हुआ नुकसान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की तरफ से बुधवार को जारी लेटेस्ट मेंस वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान उठाना पड़ा। ताजा रैंकिंग में रोहित एक स्थान नीचे लुढ़क कर चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। उनके फिलहाल 791 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं विराट कोहली अपने दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। विराट के 811 रेटिंग अंक है। विराट और रोहित ही आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल मात्र दो भारतीय बल्लेबाज हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कोलकाता से आगरा के बीच 1855 में पहली बार टेलीग्राफ से लंबी दूरी का संदेश प्रेषित किया गया। घातक संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान 1882 में आज ही के दिन हुई थी। इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक को बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोरारजी देसाई 1977 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। भारतीय सेना ने 1990 में श्रीलंका छोड़कर स्वदेश वापसी की। बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी का 1979 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसानी से बचाए अपना मोबाइल डेटा। क्या आपको भी मोबाइल डेटा तेजी से खर्च हो रहा है? इसके पीछे की एक वजह आपके फोन की कुछ ऐप्स और सेटिंग्स हो सकती है। यहाँ हम आपको 5 आसान से टिप्स बता रहे हैं जिसके जरिए आपका मोबाइल डेटा खर्च काफी हद तक कम हो सकता है। सबसे पहले ऑटो अपडेट को आप बंद कर दें। इसके अलावा ये ध्यान दें कि कौन सा ऐप आपका सबसे ज्यादा डेटा ले रहा है। व्हाट्सएप में भी ऑटो डाउनलोड का फीचर आप बंद कर दें। इसके अलावा डेटा लिमिट कर दें सेट। साथ ही आप डेटा सेवर को इस्तेमाल करें जिससे आपका नेट आसानी से बच सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, श्याम कुमार, मनीष सिंह, श्वेता रॉय, उमा शंकर, गौतम कुमार, अमरदीप आनंद, आशीष आकर्ष, अमन कुमार, सरोज पंडित, ध्रुव कुमार, राजेश कुमार, गुंजन कुमार, प्रदीप कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपकी सबसे पसंदीदा आईपीएल टीम कौन सी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।